लेकिन एक मिनट पता के सुन मेरी बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन और मैं हूं सिटू सिंह। इस समय हम मौजूद हैं उपजिला सुंदरवनी के अंदर और जहां पे हम सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सुंदरवनी के अंदर मौजूद हैं। आपको बता दें कि सामने जे बिल्डिंग का काम चल रहा है। क्या चल रहा है? ये लगभग 3-4 साल से बंद पड़ा है। इसका भी एक इसके साथ भी खिलवाड़ ही हो रहा है। लेकिन बात करें तो यहाँ पर पार्किंग की कमी है, लेकिन आप देख सकते हैं मेरे पीछे की एम्बुलेंस किस तरह से लगी हैं और यहाँ पे अवैध तरीके से पार्किंग की गई है। यहाँ पर एम्बुलेंस के लिए पार्किंग होनी चाहिए, लेकिन देख सकते हैं कि सभी प्राइवेट गाड़ियाँ लगाई गई हैं लोगों द्वारा। आखिर एमरजेंसी में किसी एम्बुलेंस को निकलना होगा तो कहाँ से निकलेगी? इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं इस तरीके की पार्किंग जहाँ सुंदरवनी के अंदर की गई है, आप मेरे पीछे एम्बुलेंस देख सकते हैं कि आखिर अगर कोई एमरजेंसी होती है किसी प्रकार की तो इन गाड़ी के मालकों का पता नहीं है कौन है कौन नहीं है। एम्बुलेंस के आगे गाड़ी पार्क की और चले गए। इसका नहीं पता कि हॉस्पिटल के अंदर हैं या बाज़ार में शॉपिंग कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, आप सामने देख सकते हैं। और यहाँ पर ADC सुंदरवनी को इस माध्यम से बताना चाहते हैं कि आपको एक सख्त से सख्त कदम लेना चाहिए इस तरह की पार्किंग को लेकर, क्योंकि यहाँ पर नामात्र पार्किंग है और 3 एम्बुलेंस हैं उनके लिए भी जगह नहीं है। लेकिन प्राइवेट गाड़ियाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पीछे लगी हैं और यहाँ पर एमरजेंसी में अगर कोई पेशेंट आता है तो उसके लिए भी जगह नहीं बची है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि चारों ओर आप घुमा कर देख सकते हैं कि हर तरफ आपको गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ दिखेंगी। अगर कोई एमरजेंसी में यहाँ पर पेशेंट आ रहा है तो उसको निकलने के लिए भी जगह नहीं है। आखिर क्या कहीं बाहर पार्किंग नहीं है? ये किसकी नेग्लिजेंसी के कारण सुंदरवनी के हॉस्पिटल की जो हालात है, ट्रैफिक के नियमों का किसने पालन करना है? यहीं से अगर आप पीछे चले जाएं तो हॉस्पिटल रोड पहले एक इशू बना था कि जो एम्बुलेंस होगी वो हॉस्पिटल के पीछे से निकलेगी और कठानू चौक से निकलकर अपना रूट तय करेगी। लेकिन आपको वो भी हम दृश्य दिखाएंगे कि हॉस्पिटल के पीछे रोड पर आपको बाइक निकलने की जगह भी नहीं मिलेगी। आखिर एम्बुलेंस किस तरह से वहाँ पर निकलेगी, इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। हम जिला आयुक्त राजौरी विकास कुंदल जी से भी ये आग्रह करना चाहते हैं कि कृपया आप यहाँ पर एक इनिशिएटिव लें और निर्देश दें कि एक हॉस्पिटल जो एमरजेंसी सेवाओं के लिए होते हैं उनकी एम्बुलेंस या उनकी गाड़ियों के लिए अगर रास्ते बंद हैं तो आम लोगों का क्या हाल होगा, क्योंकि इस पर भी कार्रवाई करने की ज़रूरत है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से पार्किंग लगाकर खुद चले गए हैं। ये नहीं पता कि अगर कोई एम्बुलेंस में एमरजेंसी मरीज़ आ रहे हैं जा रहे हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है। आखिर इस पर किस तरीके की कार्रवाई होती है ये देखने की बात है। अगर हमारी ADC सुंदरवनी से बातचीत हुई, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह के इंतजाम किए गए हैं कि यहाँ पर आए दिन लोगों को समस्याएं आती हैं। पीछे रोड पर देखा जाए तो पूरी रोड पर एक पार्किंग लगी हुई है, रोड के दोनों तरफ से गाड़ियाँ हैं एम्बुलेंस को। हालांकि सुंदरवनी में 2-3 जगह पार्किंग बनी हुई हैं। इधर ये सामने देख सकते हैं कि हॉस्पिटल का मटेरियल पड़ा हुआ है, हालांकि वो मटेरियल ठेकेदार का है। इस पर यहाँ पर BMO तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ADC या DC द्वारा इस जगह को खाली करवाया जा सकता है। आज लगभग 5-6 सालों से ये मटेरियल पड़ा हुआ है, हॉस्पिटल तो बना नहीं लेकिन जो हॉस्पिटल के आगे पार्किंग थी उसको भी तबाह कर दिया गया है। क्या इसी तरीके के काम होंगे कि अगर आपने एक काम 2-3-4 साल में कंप्लीट करना है लेकिन उसको पूरी तरह से बंद करके रखा हुआ है? यहाँ पर हम हॉस्पिटल की बिल्डिंग के बारे में भी आपको एक और खबर करके बताएंगे कि आखिर इसका क्या विषय है। लगभग 5-6 सालों से इसी तरह से पड़ा हुआ है, उसका सामान भी अंदर लगभग ख़राब हो चुका है। ये ईंटें पड़ी हुई हैं जहाँ पे, हालांकि इसको निकलाने के लिए ठेकेदार की परमिशन चाहिए होती है क्योंकि ऐसे तो कोई उठा नहीं सकता। अगर ये ईंटें वगैरह उठाई दी जाएं तो लगभग यहाँ पर कुछ ना कुछ पार्किंग की व्यवस्था बन सकती है। आप देखते रहिए जम्मू परिवर्तन, मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।